इतनी प्यारी बास्केट पहन के कहाँ से आ रहे हो? बूट लेके आया हूँ। तेरी खैर हो जाए, मुबारक। कहाँ से? दुकान से, लंडे से। शहजादा क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। किस क्लास में? मदरसे में। मदरसे में पढ़ते हैं? हिफ्ज कर रहे हैं? कर लिया मैंने हिफ्ज। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हिफ्ज की को 4 साल हो गए। अब आप आगे? मैं दर्स इंतजामी कर रहा हूँ सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितना रह गया ये दर्स इंतजामी? दर्स इंतजामी का कोर्स 4 साल का हो गया, 2 साल का रह गया। तो आपकी उम्र कितनी हो गई है? मेरी उम्र हो गई है 16 साल। आप बिल्कुल 16 के भी नहीं लगते भाई। लेकिन जो हमारे घराना है वो सारा दीनदार है, बचपन से मदरसे में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप आलम दीन बन जाएंगे इंशाल्लाह। आलम दीन मेरा शौक ये है कि आलम दीन बनकर हर कोई मदरसों में ज़रूर काम करते हैं। जिस तरह आप है ना, इस तरह मैं हूँ। यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि दीन का काम किया जाए लेकिन दुनिया में निकल कर। बहुत खूबसूरत बात है, बहुत प्यारी बात। तो महंगाई तो नहीं हो गई लंडे में? बहुत महंगाई है। पिछले साल लोगों के बूट लिए थे तो ये थे, मैंने लिए थे 800। यानी कि जब नवाशी का दौर था, नवाशी साहब का, तो 800 के लिए थे। अभी यही लेके आया हूँ के 1800 रुपये के, और ये वास्कट 800 की है। बस महंगाई महंगाई। महंगे हो गए? बहुत महंगे हो गए। तो आप साहब चीज़ें महंगी आप कह रहे हैं? यार बहुत ज़्यादा महंगी है। तो आपने शादी शुदी तो नहीं अभी की? शादी 2 साल बाद। 18 साल में उम्र में ये भी घराने में तय है? सब कुछ तय है। तो भाभी भी देख ली? भाभी देखी नहीं है लेकिन यानी कि घर देख लिया। आप हैं? हाँ। क्या मतलब? मतलब कि मेरी सकी खाला की बेटी है, उससे मेरी शादी होनी है लेकिन मैंने उसको देखा नहीं अब तक। आपने होने वाली भाभी को देखा ही नहीं? नहीं, देखना भी नहीं चाहता। देखना भी नहीं चाहते शादी से पहले? नहीं। चले ये तो अच्छी बात है। तो आप कजन हैं तो वैसे ही मतलब फैमिली गैदरिंग में मिल लेता कई दफा? बस शक्ल तो पता होती है। शक्ल या आपको देख के उसके ऊपर चादर डाल देते हैं? नहीं नहीं, मैं फेंक देते हैं उसके ऊपर, कंबल फेंक देते हैं। मैं आज ही अपने घर से आया हूँ। हाँ, तो उधर ही जाना था सब घर वालों शादी पे। तो तुम निकला है? मैं इधर आ गया। तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? मेरा होने वाला हस्बैंड मुझे मिलने नहीं आया। उनके दिल पे क्यों? उनके दिल पे तीर चलाते हो भाई? जाऊंगा। क्या चाहते हो? इंशाल्लाह जरूर मिलने जाऊंगा। चाहते क्या हो भाई? चाहता ये हूँ कि कुछ ना ही हो। नहीं तो मुझे ये बताएं कि फैमिली ने नहीं आपको कहा कि आप सब ना लाएं? कहा है। तो फिर क्यों? अभी वीडियो कॉल हुई है तो सारे जा रहे थे बस में। मतलब जानबूझ के आप स्किप करते हैं? हाँ जी जानबूझ। भाभी को तड़पाते हैं आप? हाँ जी। थोड़ी क्यों? थोड़ी सी चाहत हो तो फिर अच्छा होता सब। नहीं तो वो चाहत नहीं है आपको, माशाल्लाह से देते हैं। क्या मतलब आपका अपना घराना है, इससे अपनी खाला है यार, इससे थोड़ी सी और चाहत हो जाए। खाला मुझे मिलने आती हैं। खाला की, मैं तो भाभी की बात कर रहा हूँ, खाला तो मिलने आती है। वो दूर है, मेरी छुट्टियाँ कम होती हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी मेरे अभी आप चले जाते हो तो बेहतर नहीं था क्या? नहीं मेरे एग्जाम है। खाना छाना उधर खाते जाके? एग्जाम है, एग्जाम है उनमें। मैंने शॉपिंग कर रहे हैं, एग्जाम अच्छे हैं आपके? एग्जाम अभी शॉपिंग करना कोई बुरी बात थोड़ी। नहीं, नहीं, टाइम एक ये है कि पढ़ाकू बच्चा तो टाइम शॉपिंग के लिए नहीं निकालता भाई। एक ये है कि जितने स्टूडेंट्स होंगे वो हंस रहे होंगे कि आप सब क्या बातें बता रहे हैं। एक दिन एक होता है 6 दिन रह के आना, एक होता है कि ये 2-3। अभी सर्दी भी आई ना इसलिए वॉस्कट लेनी थी और बूट लेने थे। मैंने कहा यानी जल्दी ले लीजिए, बेहतर है आगे और ना महंगाई हो जाए। महंगाई के चक्कर में आपने महंगाई के चक्कर होने वाली बेगम के पास जाना मुनासिब नहीं समझा? नहीं समझा। 400 रुपया बचाने के चक्कर में? 400 रुपया। हाँ साहब, इतने कारोबारी कैसे हैं आप? मैं काफी रिस्की आदमी। रिस्की है? वो कैसे? आपको नहीं पता? नहीं मुझे समझाएं। बस रिस्की कैसे? हर काम में रिस्क लेते हैं। मोहतात है या रिस्की है? मोहतात भी हूँ रिस्की भी हूँ। क्या रिस्क लिया अब तक, कुछ सबसे बड़ा रिस्क बताएं? मैं पहले यानी के मैच खेलता था। क्रिकेट? क्रिकेट यानी कि अच्छा खेलता हूँ। और मैंने एक अपनी टीम बनाई हुई है अपने गांव में। अपनी टीम? हाँ, मेरी कौमी लेवल पे खेलेगी जाके इंशाल्लाह। टीम के पैरेलल? टीम के पैरेलल। और उसमें 5 मैच टोटल थे, 5वां जो था फाइनल था। 3 हम हार गए थे और 1 रह गया था। अगर वो हम हार जाते तो बाहर हो जाते, अगर अगला वो हार जाते तो फिर हमें 2 और खेलने पड़ने थे। तो मैंने उनको कहा रिस्क ले लो, या ये हार गए तो 3 आपके, अगर ये हार गए तो हम हार गए। अच्छा, ये रिस्क ले लिया? ये रिस्क लिया। फिर यानी इसमें फिर हमारी माशाल्लाह बहुत इज्जत हुई। आप जीत गए? मैं जीत गया। बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं आप? कुछ भी नहीं करता, सिर्फ प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करता हूं। दिमाग चलता है? बेश। देख लें, भाभी ने जवाब दे देना आपको इन बातों की वजह से। बात नहीं, दे दें जवाब। कल का मैच कौन जीतेगा? कल का मैच? हाँ इंशाल्लाह पाकिस्तान, क्योंकि शुएब मलिक गए हैं सैयद मकसूद की जगह पर। तो और शाहीन अफरीदी की अच्छी बॉलिंग है, मैंने प्रैक्टिस हो रही थी, मैंने देखी थी, तो ज़रूर जीतेगा पाकिस्तान।